आज जो गाड़ी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, ये मेरे देश का ब्रांड है, द ऑल न्यू टाटा पंच काजीरंगा एडिशन। सबसे पहले मैं आपको इसकी ख़ास बात बता दूँ कि जो काजीरंगा है ये आसाम में नेशनल पार्क है, यहाँ पर रेनो पाए जाते हैं और इस रेनो की संख्या इस बार 2000 के करीब में पहुंच गई है। और इसे ही सेफ करने के लिए टाटा ने अपना एक न्यू एडिशन बनाया है, द टाटा पंच काजीरंगा एडिशन। For greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. सबसे पहले इसकी खास बात ये कि जो IPL में इसका ऑक्शन लगने वाला है, उस ऑक्शन में जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो सीधा काजीरंगा नेशनल पार्क को डोनेट किया जाएगा, जिससे कि उन रेनों की सेफ्टी हो और उनको प्रोटेक्शन मिल पाए और उनकी संख्या और बढ़ पाए। और इस एडिशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वही LED DRLs, इंडिकेटर, पैनो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी ग्रिल में, और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेंगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी वही सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आपको फॉग लैम्प हाउसिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ब्लैक पैनो ब्लैक फिनिश में आपको ORVMs देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको काजीरंगा एडिशन का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको जेट ब्लैक फिनिश में डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि R16 की है। और अब बात करते हैं डोर हैंडल की, तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल बॉडी कलर में देखने के लिए मिलेगा। और अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसका आपको साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको पैनो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेंगी। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रियर में भी सेम प्रोफाइल देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट देखने के लिए मिलेगा, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर। यहाँ पे आपको रेनो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे में टाइगर्स देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, पंच का बैजिंग। और अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ से हम पहले इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते कि आपको 366 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलता। और अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प्स की, तो यहाँ पर आपको ट्राई एरो शेप में इसके LED टेल लैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे। और अब आते हैं इसके, अब आ गए हम गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर आपको इसकी की कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपको पहले जैसे ही है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलता है ब्लैक एंड अर्थ बेज फिनिश के अंदर, जो कि ट्राई एरो शेप में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के ऊपर, और पूरी फीलिंग भी वैसी आ रही अंदर। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग में पैनो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आपको हारमन का म्यूज़िक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और आपको यहाँ पर 4 AC के वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। हारमन का टच स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो कि बिल्कुल काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पर आप देख सकते, चार्जिंग सॉकेट आप यहाँ से देख सकते, दो कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं, दो मोड देखने के लिए मिलते हैं, सिटी मोड
एंड इको मोड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टेयरिंग आपको एडजस्टेबल है, यहाँ से आप हाइट एडजस्टेबल कर सकते। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका ग्लव बॉक्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। टाटा पंच काजीरंगा एडिशन में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 1200 सीसी का इंजन जो कि टाटा मोटर्स ने सेल्फ मेड इंजन बनाया है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसमें आपको मिलता है 84.48 BHP का पावर और साथ ही में आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 187 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो टाटा पंच काजीरंगा एडिशन के साथ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल रिलायबल मोटर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।